कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में है। लॉकडाउन 3 की मियाद खत्म हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र को लॉकडाउन से मुक्ति मिलने की उम्मीद कम है, क्योंकि यहां कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। महाराष्ट्र की सरकार भी कोरोना के सामने बेबस है और सीएम उद्धव ठाकरे पर लगातार सवाल खड़े हुए हैं। उनके शासन में राजधानी मुंबई के अस्पतालों का भी बुरा हाल है। विपक्ष का आरोप है कि उद्धव ठाकरे की अनुभवहीनता की वजह से महाराष्ट्र का ये हाल हुआ है। वहीं उद्धव ठाकरे अब कोरोना से निपटने के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार से विचार विमर्श में जुटे हैं। सीएम उद्धव ठाकरे ने शरद पवार के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में अर्थव्यवस्था को गति देने संबंधी योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। बैठक में शरद पवार के अलावा जयंत पाटिल, अनिल देशमुख, राजेश टोपे और आदित्य ठाकरे के अलावा कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में पिछले 55 दिन से जारी लॉकडाउन की भी समीक्षा की गई। राज्य में कोरोना के हालात से किस तरह स्वास्थ्य विभाग इससे मुकाबला कर रहा है, राज्य की कानून व्यवस्था, मजदूरों को उनके राज्य ले जाने और यहाँ लाने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही इन समस्याओं के उपायों पर भी चर्चा की गई। ये बैठक मुख्य रूप से लॉकडाउन की चुनौतियों और अर्थव्यवस्था को गति देने के संबंध में थी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बैठक में राज्य में कुछ स्थानों पर लॉकडाउन की हालिया स्थिति और इसके अगले चरण की योजना और वित्तीय लेन देन शुरू करने को लेकर चर्चा की है। हालांकि ये पहली बार है जब उद्धव ठाकरे कोरोना को लेकर शरद पवार के साथ बैठक की हो। वहीं विपक्ष सवाल उठा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र को कोरोना से बचाने के लिए एक मजबूत रणनीति क्यों नहीं बनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।